अवनीश ट्यूटोरियल ब्रांच चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए, जैसा कि आप थंबनेल पर देख भी रहेंगे कि जीके की दुनिया फॉर ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम एक प्रयास आप सभी प्रतियोगी छात्रों के हित में। आज जीके की दुनिया का जो है 42वां पार्ट है, मीन्स 42वां वीडियो है। तो आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि यूपी पुलिस आरओ एआरओ एग्ज़ाम और इधर आगे पेट भी आ सकता है, बीपीओ एग्ज़ाम, ने बहुत से एग्ज़ाम वनडे के हैं जिनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना न भूलें, और चैनल पर नए हों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने प्रतियोगी मित्रों को ज़रूर शेयर करें, जिससे सभी तक जानकारी पहुँच सके। चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। जीके की दुनिया का आज का पहला क्वेश्चन है कि किसने कहा कि सीएजी भारत के संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होगा? तो भीमराव अंबेडकर, बी आर अंबेडकर ने ही ये बात कहा था कि सीएजी भारत के संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होगा। सेकंड है, राष्ट्रकूटों की राजधानी क्या थी? तो राष्ट्रकूटों की राजधानी जो थे मान्य खेट थी। क्या थी? मान्य खेट। नेक्स्ट है, किसके खातों की सीएजी द्वारा ऑडिट नहीं की जाती है? तो नगर पालिका की संस्थाएं जो है उनकी सीएजी द्वारा ऑडिट नहीं की जा सकती जाती है। नेक्स्ट है, प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो प्रशासनिक न्यायाधिकरण जो अधिनियम जो है 1985 में पारित किया गया था। नेक्स्ट है, किस चट्टान की संरचना परतदार होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अवसादी चट्टानों की संरचना जो होती है वो परतदार होती है। नेक्स्ट है, सियेरा नेवादा पर्वतों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सियेरा नेवादा पर्वतों की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट व्हिटनी है। क्या है? माउंट व्हिटनी। नेक्स्ट है, किसी सरकारी एजेंसी को अनुसंधान के लिए अधिकतम धनराशि प्राप्त होती है किसके द्वारा? मैंने किसको प्राप्त होती? डीआरडीओ को। ठीक है, किसी सरकारी एजेंसी को अनुसंधान के लिए अधिकतम धनराशि, यहाँ धनराशि लिख उठा है गलत है, धनराशि प्राप्त होती है तो डीआरडीओ को। किसको? डीआरडीओ को। चलिए आगे देखते हैं। युग पुरुष भारत रत्न अटल जी पुस्तक के लेखक कौन है? तो रमेश पोखरियाल। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी शुरू की है और 2045 तक मंगल पर उतरने की योजना बना रहा है? तो दक्षिण कोरिया। ये देखिए करंट का क्वेश्चन है, क्योंकि करंट का अलग से नहीं बना रहे इसलिए इसमें मिक्स कर देते हैं। तो किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी शुरू की है और 2045 तक मंगल पर उतरने की योजना बना रहा है? तो दक्षिण कोरिया है। नेक्स्ट है, किस संगठन ने हाल ही में वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट 2024 जारी की? तो अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान। किसने? अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान ने जो है हाल ही में वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट 2024 जारी किया है। नेक्स्ट है, खबरों में रहा मुसांकोवा सनियातिएंसिस क्या है? मुसांकोवा सनियातिएंसिस क्या है? तो ये डायनासोर प्रजाति के नए जीवाश्म प्राप्त हुए उसी का है। ठीक है, डायनासोर प्रजाति के नए जीवाश्म को क्या कहा गया है? मुसांकोवा सनियातिएंसिस। नेक्स्ट है, हर साल किस दिन विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है? तो 1 जून को जो है विश्व दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं।
हाल ही में जापान भारत समुद्री अभ्यास 2024 जिसे जिमेक्स 24 कहा जाता है कहाँ शुरू किया गया? तो योकोसुका जापान में, ये भी करंट का है। नेक्स्ट है, कौन सा देश 2025 में पुरुषों के जूनियर हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो है भारत। भारत देश जो है 2025 में पुरुषों के जूनियर हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट है, पेमा खांडू हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य के मुख्यमंत्री बने? तो अरुणाचल प्रदेश के। करंट का क्वेश्चन है, किस संगठन ने हाल ही में वैश्विक आर्थिक संभावनाएं रिपोर्ट जारी की? तो विश्व बैंक ने। किसने किया है? विश्व बैंक ने जो है वैश्विक आर्थिक संभावनाएं की रिपोर्ट जारी किया है। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी? तो भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट जो है वो कौन है? अनामिका बी राजीव। नेक्स्ट है, विश्व महासागर दिवस 2024 का विषय क्या है? तो विश्व महासागर दिवस 2024 का विषय जो है अवेकन न्यू डेप्थ। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में खबरों में रहा AIM ICD के वाटर चैलेंज 4 किस संगठन की पहल है? तो ये नीति आयोग की पहल है। क्या कि हाल ही में खबरों में AIM ICD के वाटर चैलेंज 4। नेक्स्ट है, AJT जान सिंह जिनका हाल ही में निधन हो गया किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो AJT जान सिंह वन्य जीव संरक्षण वादी थी। नेक्स्ट है, मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था? तो इसको सरोजनी नायडू ने कहा था। मोहम्मद अली जिन्ना को जो है हिंदू मुस्लिम एकता का दूत सरोजनी नायडू ने कहा था। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय बायोश्री योजना कब शुरू की गई थी? तो 1 अप्रैल 2017 को। नेक्स्ट है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। कहाँ है? वाशिंगटन DC। नेक्स्ट है, सात ताल झील कहाँ स्थित है? तो सात ताल झील जो है उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है, डोगरी भाषा किस भारतीय क्षेत्र में बोली जाती है? तो जम्मू और कश्मीर प्रांत में जो है डोगरी भाषा बोली जाती है। ठीक है, तो ये आज के GK के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है जिनके उत्तर भी साथ में हैं। और आशा करते हैं कि वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज़ है। और हाँ, इतना आपको ज़रूर बता दें कि GK की दुनिया में जो है आज चूँकि 42वां वीडियो है और इसके पहले के वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो ये चैनल पर आप जुड़े हुए हैं तो ठीक है, और यदि चैनल पर नहीं जुड़े हुए हैं, आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और इम्पॉर्टेंट GK नाम की प्लेलिस्ट है, वहाँ से सभी वीडियो सीरियल से देख सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा यदि आप इसकी नोट्स फाइंड करना चाहते हैं, नोट्स PDF, तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी गई है। टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ से आप संपूर्ण GK के जो भी PDF हैं आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें और चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने प्रतियोगी मित्रों तक ज़रूर इसे सेंड करें। ओके, थैंक यू।